नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। भारत में अगले साल जीडीपी दर 6.9% रहने का अनुमान। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, सदन में जमकर हुई नारेबाजी। मथुरा में हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद पुलिस ने ईदगाह इलाके में किया फ्लैग मार्च। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीमों को किया गया तैनात। मथुरा हिंदू महासभा का आज शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ का होगा ऐलान। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से 15 दिसंबर से स्पीड लिमिट कर दी गई कम। अमेरिका में कोविड-19 से चीनी हैकर्स ने चुराए लाखों डॉलर। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी से सुनवाई होगी शुरू। भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के लिए वीजा सुविधा फिर से हुई शुरू। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।